जब चाइनीज मोबाइल वालों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया। मुझे लगता है जिंदगी ने एक बार फिर वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से सब शुरू किया था, पर इस बार जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ इंडिया के लिए। माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया। हेलो, की हाल है सर? चंगा, मैं आज अभी आपसे बोल देता हूँ, मैंने एक सपना देखा है और सपने में मैं आपको बहुत ही अच्छा वाला फोन देना चाहता हूँ, और ऐसा फोन देना चाहता हूँ जो आज तक रियलमी ने, शाओमी ने, वीवो ने नहीं दिया हो, और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर हो, बहुत ही अच्छा वाला कैमरा हो, मतलब दबा के हर एक चीज हो, और फोन का जो प्राइस हो ना ये केवल हो 7,000, 8,000 या 9,000 रुपए के आसपास। क्या आप मेरी बात पे बिलीव करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कहेंगे अबे क्या बकरा है, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, आप तभी बिलीव करेंगे जब मैं कुछ करके दिखाऊं, जब मैं ऐसा फोन लॉन्च कर दूं, तब आप कहेंगे कि हाँ जो तूने कहा था वो तूने किया। और यदि आपको सेल के बारे में ज्यादा अपडेट रहना है ना, तो यार आप मेरा टेलीग्राम पेज पक्का फॉलो कर लीजिएगा। कमाल की मैं वहां पर डील शेयर करता हूँ, फ्लिपकार्ट की हो, चाहे वो अमेजोन की हो या किसी और वेबसाइट की, मतलब आपको टेलीग्राम में ना डील्स के बारे में हरदम अपडेट मिलेगा। चलिए, ये तो कहानी थी, लेकिन अब बात कर लेते हैं सच वाली। माइक्रोमैक्स फिर से वापस आ रहा है, और इस बार इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया है ना, उसको देखने के बाद ये लग रहा है हाँ माइक्रोमैक्स में दम है, हाँ इस बंदे में दम है। इस बार माइक्रोमैक्स डायरेक्ट टक्कर लेने वाला है चाइना से। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, आपने वीडियो भी देख लिया होगा, और इनका एक फोन का लीक्स आया है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो फोन आने वाला है ना माइक्रोमैक्स का, इन ब्रांड के नाम से अगले महीने लॉन्च होने के लिए तैयार है, और इन्होंने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है यार, इंडिया की कंपनी है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट रहेगा, इंडिया में नौकरियां मिलेगी, इंडिया में ही पैसा रहेगा, इसके लिए तो यार एक बार माइक्रोमैक्स को थम्स अप बनता है। यहां पर आपको जो पहला फोन मिल सकता है, लीक ये कह रहे हैं इस फोन में जो आपको प्रोसेसर मिलेगा ये हो सकता है, ये है मीडियाटेक का हीलियो G35। बुरा प्रोसेसर नहीं है यदि सही प्राइस में आए। यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD+ वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, उसके साथ साथ 2GB वेरिएंट होगा, 3GB वाला भी वेरिएंट होगा। 2GB वाले में आपको हो सकता है डबल कैमरा मिले। यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा, उसके साथ साथ एक और फोन आएगा जहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा। यहाँ पर भी जो प्राइमरी सेंसर होगा ये होगा 13 मेगापिक्सल का, और जो सेल्फी कैमरा होगा ये भी होगा 13 मेगापिक्सल का। उसके साथ साथ 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और यहाँ पर प्रोसेसर अच्छा होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा ये भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि राहुल शर्मा ने ये भी क्लियर किया है जो फोन आएंगे ना सबसे पहले उन फोनों का जो प्राइस हो सकता है 7,000 से लेकर 15,000 रुपए के बीच हो, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा फोन सेल होते हैं ना वो इसी प्राइस ब्रैकेट के आसपास होते हैं। तो मतलब यार यहाँ पर प्राइस भी अच्छा रखने वाला है, और कहा ये जा रहा है एक और फोन आएगा, यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, गेमिंग वाला प्रोसेसर होगा, बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ आएगा, और काश यहाँ पर फुल HD+ वाला डिस्प्ले हो जाए तो यार इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा इस फोन में जो चीज आपको बहुत अच्छी लगने वाली है वो है यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड। यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, एड्स देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही क्लीन UI होगा। यदि आपको अच्छा वाला UI चाहिए बिना एड के सब कुछ देखना है, मेरे हिसाब से इस बार जो आपको माइक्रोमैक्स देने वाला है ना ये काफी अच्छा देने वाला है, लेकिन पैसा हमारी जेब से जाएगा, हमें जब चीजें अच्छी मिलेगी तभी हम बाय करेंगे। हाँ, हमने सोच तो लिया है, हमने बातें भी सुन ली है, जब आप प्रूफ करोगे तभी हम मानेंगे। मेरे हिसाब से यदि माइक्रोमैक्स अच्छा वाला काम करेगा तो भैया पक्की वाली टक्कर मिलने वाली है चाइनीज ब्रांड को। और मैं तो इतना भी कहूंगा माइक्रोमैक्स थोड़ा सा महंगा भी फोन लाता है। हाँ, चाइना वाले यदि फोन लाते हैं 7,000 रुपए का, यदि इनका फोन होगा 8,000 रुपए का, 7,500 रुपए का, तब भी हम दे देंगे, क्योंकि यार लगेगा नहीं यार देश की कंपनी है, देश का नमक है, तो देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत, ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं,
सबसे पहले मैं एक इंडियन हूँ और जो काम अच्छा होगा हमारे देश पे उसकी बातें तो हम जरूर करेंगे, और ऐसे ही बातें ऐसे ही वार्तालाप होती रहेगी चैनल पे, तो चैनल में बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। और बस जाते जाते यही कहूंगा, खुश रहिए, बिंदास रहिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और हर दम हंसते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।